हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक जो है, उन्होंने पूछा था कि जो है टेस्ट कब होगा। जो लेक्चरशिप्स के लिए टेस्ट होने जा रहा है, पीपीएससी, मेल फीमेल कैटेगरीज। सो उस टेस्ट से रिलेटेड जो है, आपको अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सोर्सेस पीपीएससी के, आपको जो है वो बताया जा सके, प्रिपरेशन जो है वो आप कर रहे होंगे। एज सच टेस्ट जो है वो मार्च और अप्रैल के बिटवीन होगा। तो फरवरी और जनवरी जो है, ये रिसेंट मंथ जो है, इसमें टेस्ट के कोई शेड्यूल नहीं बताया जा रहा। और टेस्ट कब होगा? इन मार्च, मिड ऑफ मार्च के जो है, तब तक जो है टेस्ट शेड्यूल्ड होने के चांसेस हैं। सो अभी काफी सारा टाइम है प्रिपरेशन का। तो रिटन टेस्ट जो होगा, डिफरेंट पोस्ट जो कि मेल फीमेल कैटेगरीज हैं, अरेबिक, बॉटनी, कॉमर्स, इंग्लिश, और डिफरेंट मेल फीमेल कैटेगरीज की जितनी भी पोस्टेज हैं, मैथमेटिक्स, इन सब का, जुआलॉजी, टीसी, जो टेस्ट होगा वो कंडक्ट होने जा रहा है मार्च में। सो डिफरेंट जगह पे जो है, डिफरेंट डेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो बताई जा रही थी कि टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा फ़रवरी में। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जो है कहा था, सर इसके बारे में जो है हमें कोई कंफर्मेशन बताएं। सो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सोर्सेज रिलेटेड टू पीएचडी, द लेक्चरशिप टेस्ट ऑफ मेल फीमेल कैटेगरीज ऑन रेगुलर बेसिस विल बी कंडक्टेड इन मार्च। सो वो टेस्ट की कंडक्ट होना जो है वो मार्च में जो है बताया जा रहा है, उसके चांसेस भी हैं। और जो आपकी स्लिप्स वगैरह है किसी, सो मार्च और अप्रैल का जो एक बिटवीन एरिया होगा, बिटवीन उन दिनों में आपका टेस्ट जो है वो रिटर्न टेस्ट होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें प्रिपरेशन से रिलेटेड भी आपको थोड़ा सा बताते जाएं कि अगर आपने जो है प्रिपरेशन करनी है, और उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक जो है वो रीड करनी होगी। आप हेल्पिंग जितनी भी कर लें, वो बेनिफिट्स ही है से आउटसाइड जितना कर लें। स्पेशली इसके लिए जो है ना, बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका जनरल नॉलेज का जो है वो बड़ा इशू होता है, जनरल नॉलेज के आपको करंट अफेयर्स जो है उस पे आने चाहिए। अगर आपके पास जनरल नॉलेज है तो आप 20 में से 15 नंबर जो है वो ले सकते हैं इजीली, 15-16 नंबर भी ले रहे हैं तो वो ए प्लस में जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या होता है कि वो जनरल नॉलेज में बहुत ज्यादा वीक होते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और प्रॉब्लम्स किस तरह क्रिएट होते हैं कि वो जनरल नॉलेज में 20 में से उनकी 4-5 एमसीक्यू ठीक होती हैं, तो वो एक माइनस फैक्टर रह जाता है ऐसा। सो इसका अच्छा कंपैरिजन इस तरह बनता है कि आपका जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके लिए आपको स्पेशली जो कैंडिडेट न्यूज और जो मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं या करंट अफेयर से वाकिफ हैं, उनका अच्छा वही हो जाता है। बहरहाल सब्जेक्ट से लिए आपको टेक्स्ट बुक जो है वो रीड करें, स्पेशली एफएससी बुक जो है, अगर आप वो अच्छे से करेंगे तो आपका सब्जेक्ट जो 80% पोर्शन है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। देन जो फाइनली जो रिटर्न टेस्ट कब होगा, वो मार्च और अप्रैल के मिड, मार्च और अप्रैल के मिड में जो है आपका, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सोर्सेस, नॉट कंफर्म येट, बट ऑन द आई थिंक यहाँ पे जितनी भी न्यूज जो है वो बताई जाती है इस चैनल के ऊपर, सो उसको किसी ना किसी सोर्स से कंफर्म करके जो है तभी आपको बताया जाता है। सो इन द मार्च एंड अप्रैल के मिड में जो है रिटर्न टेस्ट कंडक्ट होने के चांसेस हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब रखें और बेल आइकन के ऊपर जो है क्लिक करें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो ऑन द डे, ऑन द टाइम आप तक पहुंच सके। ये कैसा एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको तमाम जॉब्स, लेक्चर्स और डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एजुकेशन से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म में मिलेगी। बहुत सारे बाकी ऐसे भी स्टूडियोज होते हैं जहाँ पे आपको स्पेसिफिक एरिया होता है, ये एक सब्जेक्ट्स के रिलेटेड चैनल या किसी ऐसा कुछ होता है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है इस पे आपको तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन, तमाम सब्जेक्ट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक ही चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो ऑन द टाइम ऑन द डे आप तक पहुँच सके। थैंक यू।